हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब के? आज के दिन हम बाम से जा रहे हैं किरमान की जान, और किरमान शहर भी काफ़ी रिच है अपनी हिस्ट्री के लिहाज से। लेकिन कल से हमारी गाड़ी एक मिसिंग कर रही थी, हमें मसला हो रहा था, वो ये था कि हमारा जो डीज़ल फिल्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले वो दिखाना है, चलते हैं मैकेनिक के पास, वो उसको दिखाते हैं और फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह आज के दिन किरमान की जाने। कचरा देखा, कचरा ये देखें, ये डीजल में कचरा आ रहा था ना। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक पे आते हैं ना, तो आपको एक चीज़ का बहुत मुद्दा रहना पड़ता है। क्या मुद्दा है आज, आप कर रह नहीं सकते। वो होता है कि डीज़ल और जो पेट्रोल ईरानी होता है ना, वो आपकी गाड़ी के साथ मसला कर सकता है। हमारी गाड़ी के साथ भी हुआ है, डीज़ल फिल्टर के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा कचरा आ गया और उसको हम चेंज कराने लगे कि, लेकिन हमारे इस डीज़ल फिल्टर को यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। इस बाम शहर में हमें डीज़ल फिल्टर नहीं मिल रहा, तो अब हम इसका जुगाड़ ये करेंगे, इसको पूरा वॉश करेंगे, वॉश करके हम लगाएंगे और फिर जाके कुछ होगा। लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा काम तो प्रकाश खुद जानता है, तो ये काम हम इनके वर्कशॉप पे करेंगे। लेकिन ये इनका वर्कशॉप है, इन्होंने हेल्प भी हमारी बहुत की है और काफ़ी हम ढूंढने गए, डीज़ल फिल्टर हमें नहीं मिला। वो इस शहर में हमारी गाड़ी का नहीं मिला, और ईरानी डीज़ल वैसे भी हम गाड़ी में डलवाते थे, लेकिन ईरान के अंदर ईरानी डीज़ल ने मसला कर गया है। और हम आपको दिखाते हैं इसमें से क्या निकलता है, कितना उसके अंदर से कचरा निकलता है, वो भी आपको दिखाते हैं, और फिर इसका दिखाते हैं कि इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला। हाँ भाई, समझ आ रहा है इसको कुछ? बोले खामोश करो गाड़ी। हाँ जा, खामोश करो गाड़ी को। चलो गाड़ी को खामोश करते हैं। बेहतरीन दादा, फिल्टर चेंज क्यों हो रहा है वैसे? सोक हो गया। अच्छा, ईरानी डीजल हमारा गंदा सुंदर डाल दिया होगा कहीं बॉर्डर से हमने, वो जो है ना वो फ्री वाले डीजल ने कुछ कर तो नहीं दिया। अरे हाँ, फ्री ने हमें पैसों से डलवा लेंगे मुझे लग रहा है। अल्लाह सिस्टम बड़ा ख़राब हो गया, अभी यहाँ से हवा के ज़रिए फ़िल्टर को क्लियर करा जाएगा, फ़िल्टर यहाँ पर मिल नहीं रहा हमारी गाड़ी का। सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन निकला फिर? हो गया सोल्यूशन वही है, फिल्टर को साफ किए, अपनी गाड़ी का मिल नहीं रहा कहीं, अपनी गाड़ी की चूड़ी बराबर नहीं मिल रही। जाहिर है पाकिस्तान में ईरान में चूड़ियों का फर्क होगा, गलती की, साथ में एक्स्ट्रा फिल्टर भी डीजल के भी आते थे, ऑयल का लाया हूँ डीजल का नहीं लाया, ये गलती है। सवारी मैकेनिक गुड नॉट डीजल, वो खुद भी कंफ्यूज हो गया कि हम डीजल के अंदर अपना ऑयल क्यों डाल रहे हैं। लेकिन भाई डीजल के अंदर ऑयल इसलिए डालना पड़ रहा है, उनका जो ईरानी डीजल है ना वो सही नहीं है, हमारे लिए थोड़ा सा मसला रहता है। तो हम अब क्या करेंगे, डीजल की वाली टंकी के अंदर ऑयल डालेंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए और थोड़ा सा कचरा वचरा जो आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाए। ये देख, वो सामने एक और व्यू पॉइंट के लिए लोग ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो टॉप पे जाने के लिए, बट हम हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है और अभी हम ट्रैकिंग के लिए रेडी भी ओके नहीं है। हेलो जी, इस टाइम अभी हम हैं यहाँ पर किरमान सिटी के अंदर, और किरमान सिटी का ये व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत एक जगह है। यहाँ पर हम व्यू पॉइंट पे आए हुए हैं और नीचे का व्यू पहले आपको दिखा दें। ये देखें माशाल्लाह, ये जो टॉम है ये कासिम सुलेमानी का है, जो कि शहीद हुए थे कासिम सुलेमानी, इनके एक जनरल थे और जो कि बड़े मशहूर और बड़े बहादुर जनरल थे, उनका वहाँ पे टॉम बना हुआ है। और ये बाकी पूरा नीचे ग्रेवयार्ड है, एक व्यू आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये सिटी का व्यू पॉइंट, ये नीचे का व्यू पॉइंट है, ऊपर का व्यू पॉइंट वो वहाँ से ऊपर, ये चेक करें आप।
आज हमने जो रूम लिया ना यहाँ पे करमान में, वो रूम बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छा लगा। सोचा आप लोगों को एक ट्रिप करा लिया जाए। ये लिफ्ट अभी खुलेगी इस होटल की और आपको अभी दिखाते हैं क्यों खूबसूरत है वो। इसलिए कि आप खुद देखें यार। वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ पर आपको जूते नीचे बाहर उतारने ही लाजमी है, आप अपनी चप्पल के साथ अंदर नहीं इंटर हो सकते। रूम की एंट्रेंस शुरू होती है यहाँ से, आप देख सकते हैं इंटर होते ही लेफ्ट साइड पे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है किचन। किचन में यहाँ पर आपको फ्रिज, यहाँ पर साथ ही स्टोव और ये माय ओवन वगैरह, और साथ ही आपको बेसन सिंक वगैरह मिल जाता है। फिर एक आ जाता है आपके पास ये टीवी लॉन्च, ये देख सकते हैं टीवी लॉन्च रूम के बाद यहाँ पर आपके पास, अच्छा ये पूरा एक वन यूनिट विला टाइप का है और थ्री बेडरूम है ये। तो यहाँ से हमारा ये फर्स्ट रूम यहाँ आ जाता है, फर्स्ट टू बेडरूम ये रहा जिसके अंदर ये, अच्छा ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि मान के अंदर टेम्परेचर इस वक्त अराउंड कोई 2 या 3 पे चले जाता है रात में। और ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड रूम, ये भी टू बेडरूम है जैसे कि आप देख सकते हैं टू बेडरूम। एंड द थर्ड रूम ये रहा, थर्ड रूम ये भी टू बेडरूम है और अटैच बाथ, इधर कोई अटैच बाथ नहीं है ना उस रूम में, किसी रूम में अटैच बाथ नहीं है, एक बाथ यहाँ पर है, एक टॉयलेट। और ये रहा, और दूसरा गेट पे इंटर होते ही लेफ्ट साइड पे वॉशरूम वहाँ। तो भाई ये तो हमने आपको टूर करा दिया। अब अक्सर लोग पूछ रहे होंगे भाई इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी जो प्राइसिंग, इसकी जो कॉस्टिंग है जो हमें जो पड़ी है वो अराउंड कोई हमें 20,000 तमान। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, 20 लाख तमान जाता है, 20 मिलियन तमान पे जा रहा होता है ये। अब ये तमान की जो प्राइसिंग है यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग है, ज़ीरो बहुत एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, आपको बहुत सारे ज़ीरो को माइनस करके गिनना पड़ता है, मुझे तक अभी तक समझ नहीं आया। हाँ लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानी तकरीबन समझ लें कि 6,000 रुपये का आसपास, हाँ 6,000 के आसपास का ये एक वन नाइट का है। तो इस तरह आपको अंदाज़ा लग सकता है कि 3 बेडरूम के अंदर आपको 6,000 के अंदर ये किमान के अंदर मिल सकता है। और इनकी लॉबी भी भाई, लॉबी देखते हैं, लॉबी से आप गैलरी से यहाँ से बाहर थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इतना अच्छा नज़ारा फ़िलहाल नहीं है क्योंकि हम एग्जैक्टली डाउनटाउन में नहीं है, थोड़ा सा हम आउट हैं, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ इट। तो ये था हमारा आज का स्टे करना, जहाँ हम स्टे कर रहे थे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको फ़ायदा भी होगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।